हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए पादप जगत साइंस के बायोलॉजी से ये टॉपिक लेकर के आया हूँ और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे ही मैं आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके और SSC के एग्ज़ाम में, और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 1 है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो दोस्तों चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। क्वेश्चन चौथा है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? दोस्तों वह जीवाणु जो तपेदिक उत्पन्न करता है, तो कौन सा जीवाणु है जो कि तपेदिक उत्पन्न करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम। दोस्तों माइकोबैक्टीरियम जीवाणु जो है तपेदिक यानी TB उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दोस्तों यहाँ सारा डिटेल आपको मिल गया। परजीवी से यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग, ऐसे ही मैं आपको आगे और भी सारे क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल लेकर के आया हूँ। ऐसे ही वीडियो को आराम से देखते रहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, 15-16 मिनट का वीडियो होगा, बस आराम से स्थिर से देखिए, बोर नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है। और दोस्तों विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है, ये देखिए आपके सामने है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग एड्स है दोस्तों, जो कि विषाणु द्वारा होता है। और ये हमारे शरीर के अंग को, कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर होता है दोस्तों, जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पोलियो है दोस्तों, जो कि गला और रीढ़ को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक है दोस्तों, जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। छोटी माता ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। गलशोथ है दोस्तों, ये पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। खसरा है दोस्तों, जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। और ये सभी रोग है दोस्तों, जो कि वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने है, खसरा किस कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। और कौन सा अंग को प्रभावित करता है? खसरा जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, विषाणु से होने वाला रोग है खसरा। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाला रोग कौन कौन सा है। तो दोस्तों मलेरिया है, जो कि परजीवी से होने वाला रोग है। ये तिल्ली एवं RBC को प्रभावित करता है हमारे शरीर में। पायरिया है दोस्तों, जो कि मसूड़ों में होता है, ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। सोने की बीमारी है दोस्तों, जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पेचिस है दोस्तों, जो कि आंत को, हमारे आंत को प्रभावित करता है, पेचिस रोग, जो कि प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है। तो दोस्तों काला जार है, जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, या आया और ये तो पस है दोस्तों, पस से प्रोटोजोआ, और या जिसमें आएगा वो आपको प्रोटोजोआ होगा दोस्तों। थोड़ा ट्रिक है याद करने का, बस और कुछ नहीं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है। टिटनेस है दोस्तों, जो कि तंत्रिका तंत्र को हमारे शरीर में प्रभावित करता है। टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो दोस्तों टी से टिटनेस होता है, टी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हैजा है दोस्तों, जो कि आँत को प्रभावित करता है। ऐसे ही पता चलता है कि हैजा आपको आँत को प्रभावित करेगा, और हैजा जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड है दोस्तों, जो कि आंत को प्रभावित करता है, और ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया
श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वास नली को रोक देता है। ये दोस्तों जैसे कि अभी चला हुआ है कोरोना वायरस, ये डिप्थीरिया के जैसा ही एक रोग है जो कि श्वास नली को रोक देता है, आदमी मर जाता है। प्लेग दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होगा, प्लेग जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है और ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। काली खांसी दोस्तों श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और निमोनिया दोस्तों यहाँ निमोनिया है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और यहाँ दोस्तों देखिए मलेरिया है जो कि परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और ये निमोनिया है दोस्तों जो कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। गोनोरिया जो कि मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, सिफिलिस जो कि शिश्न को प्रभावित करता है दोस्तों। अब चलिए इतना जानकारी काफी है आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना जानकारी मिलने वाला नहीं है, सारे सिर्फ क्वेश्चन लाते हैं फटाफट आंसर बताते हैं बस हो जाता है, मगर यहाँ आपको सारा डिटेल मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, बोर नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विषाणु यानी वायरस में एंजाइम्स नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 8वां है, विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं विषाणु दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, जीवाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है विषाणु यानी वायरस को। क्वेश्चन नंबर 9वां है, जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या होती है। तो क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या होता है दोस्तों, तो जीवाणुओं का साधारण आकृति जो होता है दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों, छड़ रूपी होता है। क्वेश्चन 10वां है, वर्गीकरण की आधार की इकाई है, वर्गीकरण की आधार की इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीसीज यानी जाति है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुआ है, बीबीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसकी खोज की एडवर्ड जेनर ने दोस्तों, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो दोस्तों इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेटिंग ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बीसीजी का खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था। रक्त परिवहन का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था दोस्तों। और आरएनए का जेम्स वाटसन एवं आर्थर आर्ग, दोस्तों आ से आता है इसलिए इसमें आर्थर आर्ग लगता है दोस्तों, और डीएनए है तो क्रिक लगता है दोस्तों, जेम्स वाटसन तो दोनों में कॉमन है। बैक्टीरिया का खोज लुएन हॉक ने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन ई साल्क ने किया था, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको लेकर के आया हूँ। डायबिटीज का खोज बेटिंग ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये सभी, ये जितना भी मैं आपके लिए लाया हूँ, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, ऑप्शन ए वंश तथा जाति को बताते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 13 है दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, लिनियस है दोस्तों, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 14 है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बचपन से 8, 9, 10 में पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों, लैक्टोबैसिलस दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही जमाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, T4 लिम्फोसाइट्स में की कमी, T4 लिम्फोसाइट्स में कमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय, तो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, वर्णिकी लवक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाणु, गोलाणु कहलाते हैं जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं। क्वेश्चन 18 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है,
कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है। आगे और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं लास्ट में लेकर के आया हूँ इस वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 19वां है, पाश्चर प्रसिद्ध है, किसके लिए पाश्चर प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पाश्चर। दोस्तों याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? ये तो पहले भी आया हुआ है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों अगर दोस्तों आप इस वीडियो का क्विज खेलना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी तुरंत, क्योंकि आपको अगर ये साइंस का है वीडियो तो साइंस का क्विज आपको शाम को 5 बजे होता है मेरे इसी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे गौतम स्टडी अड्डा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, 5 बजे आपको क्विज मिल जाएगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्विज 5 बजे खेल लीजिए, आपका रिविजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं जाएगा, 100% एक्यूरेसी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है, इबोला क्या है? तो दोस्तों इबोला क्या है, तो एक प्रकार का वायरस है दोस्तों, ऑप्शन डी वायरस है इबोला। क्वेश्चन 22 है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों, विषाणु। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो क्या मदद करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24वां है, जीवाणु की खोज किसने की? मैंने आपको अभी भी बताया कि जीवाणु की खोज किसने की, लुएन हॉक ने किया था दोस्तों, लुएन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 25वां है, निम्नलिखित में से किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो किसके कारण दूध खट्टा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, किसमें रखा गया है अपुष्पी पादपों को? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्टो गेम्स में रखा गया है, क्रिप्टो गेम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। क्वेश्चन 27, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, क्यों माने जाते हैं विषाणु निर्जीव, सजीव क्यों नहीं माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, विषाणु जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसलिए निर्जीव माने जाते हैं। क्वेश्चन 28 है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु का उपयोग होता है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देख लेते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, फली, फली जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है एक गोल जीवाणु? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकस कहलाता है एक गोल जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है कौन सा रोग, मैंने आपको अभी भी बताया, तो उसमें क्या था, चेचक था या नहीं था? तो उसमें चेचक था दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 33वां है, विषाणु वृद्धि करता है, क्या वृद्धि करता है विषाणु? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है विषाणु। क्वेश्चन 34 है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो जंतु में जो होने वाला रोग है फुट एंड माउथ रोग, वो किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, विषाणु के कारण होता है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग। और ऐसे दोस्तों फुट एथलीट एक तो रोग होता है वो कवक के कारण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित अपने आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, कौन है जो कि स्वपोषित है? तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी दोस्तों शैवाल। क्वेश्चन 36 है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं एक सर्पिल जीवाणु को, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अस्पायरिलम। अस्पायरिलम कहा जाता है सर्पिल जीवाणु को, और दोस्तों सर्पिल को इंग्लिश में स्पाइरल ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वां है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है जीवाणविक कोशिकाओं में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों सूत्र कणिका नहीं पाया जाता है जीवाणविक कोशिकाओं में दोस्तों। और कोशिका भित्ति तो दोस्तों पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्वेश्चन 38 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों इवानोवस्की। और ये क्वेश्चन VVI है, और एग्जाम में कितना बार रिपीट हुआ होगा ये तो आप भी नहीं जानते होंगे दोस्तों, इवानोवस्की विषाणु का खोज वायरस का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है, तो वायरस दोस्तों, वायरस के कारण एड्स रोग होता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 40 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी कहलाते हैं, अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 41वां है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे, तो दोस्तों देखिए 20 मिनट तो 2 घंटे में कितना, 20 मिनट प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है यानी दो भागों में बढ़ जाता है, तो 2 घंटे में कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों 64 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 2 घंटे में कितना मिनट होगा, तो 2 घंटे में हो जाएगा आपका दोस्तों 120 मिनट दोस्तों 120 मिनट, और 120 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार में, 6 बार में दोस्तों, तो 2 पे पावर 6 कितना होता है 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 42वां है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों जीवाणु से प्राप्त होते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है अनेक बार दोस्तों, और ऐसे ही मैंने आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जल्द ही दोस्तों, और जो दोस्तों 2015-16 में एग्जाम में पूछा हुआ है और 10 वर्षों से रिपीट हो रहा है वो सारे क्वेश्चन, मैं लिख करके आऊँगा वैसा सीरीज दोस्तों क्वेश्चन का पूरा सीरीज, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों माइकोप्लाजा, माइकोप्लाजा सबसे छोटा जीव है दोस्तों। क्वेश्चन 44 है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो दोस्तों कौन सा जीवाणु है जो कि मानव के आंत में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों एसर रिसिया कोलाई जो दोस्तों मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, पुष्पी पादपों को रखा गया है, किसमें रखा गया है पुष्पी पादपों को, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फेनरोगैम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को, प से होता है पुष्पी, प से होता है, फ से होता है फेनरोगैम्स। क्वेश्चन 46 है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडिश। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी एना बिना। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 49, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्वेश्चन 50 है, एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, तो दोस्तों कहाँ एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, पिछला क्वेश्चन में आया था विषाणु यानी वायरस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विषाणु में क्या होता है, तो दोस्तों विषाणु में ऑप्शन बी दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है दोस्तों। क्वेश्चन 52 है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, तो दोस्तों जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों,
जीवाणुओं को पौधे माना गया, क्योंकि क्यों माना गया जीवाणुओं को पौधा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों पौधों में भी कोशिका भित्ति होता है और जीवाणुओं में भी कठोर कोशिका भित्ति होता है, इसलिए इसको पौधा माना गया है। क्वेश्चन 54 है, वास्तविक केंद्रक में उपस्थित होता है, तो वास्तविक केंद्रक में उपस्थित क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जीवाणु उपस्थित होता है, जीवाणु उपस्थित होता है दोस्तों वास्तविक केंद्रक में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स दोस्तों? तो आपका आंसर होगा दोस्तों जलीय पौधे, समुद्री जीव नहीं दोस्तों, जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर दोस्तों ऑप्शन डी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जल्दी से जल्दी 1000 कीजिए, 1000 में शामिल होइए और गिफ्ट ले जाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।